आपने अक्सर नटों को, एक्रोबैट्स को एक तनी हुई रस्सी के ऊपर चलते हुए अपने आप को संतुलित करते हुए देखा होगा। आज दो पुराने फेंके हुए टूथब्रश से हम एक बैलेंसिंग जोकर बनाएंगे। इसके लिए आपको दो पुराने ब्रश चाहिए, रबर बैंड चाहिए और टूथपिक पे लगा एक कार्ड शीट का जोकर चाहिए। सबसे पहले दोनों ब्रशों के जो ब्रिसल्स हैं उनको एक दूसरे के अंदर फंसा दें और रबर बैंड से उनको सिक्योर कर लें। अब आप उनको अपनी उंगली पे, तर्जनी उंगली पे टिकाएंगे तो दोनों के दोनों ब्रश बैलेंस हो जाएंगे। ये एक जोकर एक टूथपिक में लगा है। अब जो तार है दोनों ब्रश के, उसके बीच में से आप जोकर को निकाल दें जिससे कि टूथपिक का कि नुकीला हिस्सा नीचे आ जाए। अब आप नुकीली कील पर इसको बैलेंस कर पाएंगे। अगर आप इस जोकर को एक बोतल पर रखेंगे तो यह बोतल के ऊपर संतुलित रहेगा, हिलाएंगे डुलाएंगे उसके बाद में भी गिरेगा नहीं, क्योंकि दोनों ब्रश भारी होते हैं, इससे गुरुत्व का केंद्र नीचे आ जाता है और ये जोकर संतुलित रहता है। ये एक बहुत ही मज़ेदार खिलौना है जिसको आप फेंके हुए टूथब्रश से बना सकते हैं। इससे आप साइंस भी सीखेंगे और आपका आनंद भी होगा।